नमस्कार किसान भाइयों, ये देखिए आईसर 485 कंप्यूटर मांझे पे क्या दम लगा रहा है। आईसर 485 लो मेंटेनेंस ट्रैक्टर है, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं आता, कम खर्चे का ट्रैक्टर है ये। ताकत अच्छी लगाता है ये ट्रैक्टर, मेंटेनेंस तो इसका है ही नहीं कुछ भी, बहुत कम खर्चे का ट्रैक्टर है ये। और इसे कोई भी हैवी से हैवी इम्प्लीमेंट पे घेर लो, उस पर ही काम करता है। तुम्हारा 2 MB प्लाउ हो, रोटावेटर हो, 7 फुटा रोटावेटर को बड़े आराम से खींचता है, 11 फाली के टीलर को भी आराम से खींच लेता है ये। पर हमारी तरफ जो है 11 फाली का टीलर चलता नहीं है, क्योंकि गाँवों में रास्ते इतने चौड़े रहे नहीं, तो फिर जो है क्या होता है कि बस कभी इंगे अड़कर कभी इंगे अड़कर कभी इंगे से डांट मिल गई और कभी इंगे से पुकार मिल गई, लड़ाई का ढंग बन जाओ। अब जो आईसर 485 है, इसका एवरेज बहुत ही कम है। मैं तुमसे इनसे बुझवाऊंगा कि जो कंप्यूटर मांझे पर ये हैरो टीलर रोटर पर क्या एवरेज ले रहा है, और अगर मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ बुझवाऊँगा इनसे कि क्या मेंटेनेंस का क्या एवरेज है। जी कौन सा मॉडल है? 2020 पहले कौन सा चलाया तुमने? 485 क्यों पसंद आया, क्या पसंद आया जो तुमने दोबारा ले लिया? कितने का दे दे दो इस पे कंप्यूटर मांझे पे? 4-4.5 हज़ार का? 4 का रोटर भी चलाया तुमने? 4 का दे मैं? कितने का? 700 ग्राम बीघे का? बीघे का 700 ग्राम ले रहा है। छोटी सा भाई कितने RPM पे चला रहे हो तुम सब? 1700 पर देखिए किसान भाई, रोड 14-28 के टायर है, शायद 7 फुटा है मान जाओ, बहुत अच्छा भान करता है ट्रैक्टर वैसे भी और वैसे भी सब चीज़ों में ही अच्छा है ये, लोड के मतलब में भी और ट्रॉली के मतलब में भी। इस ट्रैक्टर का एवरेज महिंद्रा 575 से भी कम है, और मेंटेनेंस तो इसका कुछ है ही नहीं, एक बार नवा ले लो अपने कई साल को निफाम है आदमी। अब इन्होंने देखो पहले दिन पे यही था 485 और दोबारा यही लिया इन्होंने 485। किराए का काम है ट्रैक्टर ये बदलते रहते हैं, एक ये जरा देखो ईंटों के भट्टे पर 281 वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ट्रैक्टर कैसा लगा, मैसी 241 पसंद है या आईसर 485 पसंद है। वो 41 हॉर्स पावर का है, वो 41 हॉर्स पावर का है और ये 45 हॉर्स पावर का है। धन्यवाद।